चल यार चल सवार चल दुनिया नहीं ये बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं उस बार की देखी जाएगी पर उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा तो उसे फोन कर लो जानू फोन में बैलेंस नहीं है ना नबील तुम बिल्कुल नहीं बदले जानू इस घर का फर्नीचर नहीं बदला मैं क्या बदलूंगा चांदी अपने घर पे खुश तो होगी ना क्यों खुश नहीं होगी वो इतना अच्छा शौहर मिला है उसे क्या खाक अच्छा शौहर मिला है एक नंबर का बेगैरत है तुम क्या कह रहे हो नबील और नहीं तो क्या हमारे खानदान की सदियों पुरानी रिवायत तोड़ी है उसने बगावत की है ऐसा क्या कर दिया उसने घर दामाद बनने के बजाय वो हमारी बेटी को लेके चला गया अपने घर वो भी लंदन नबील तुम खुद तो मेरे पापा के पैसों पे पल रहे हो अपने दामाद को घर में कैसे रखते तुम तुम्हारे पापा ने पैसा कौन सा कब्र में साथ लेके जाना है मुझे को तो देना है नबील पापा पैसा कब्र में जरूर ले जाएंगे तो मैं नहीं देंगे जानू मुझे टेंशन मत दो मुझे वैसे ही अपनी चांदी बड़ी याद आ रही तो जाओ जाकर मिलना उसे अपने पापा से बोलो ना मुझे टिकट भेज दे नबील 25 साल हो गए और तुम आज भी मेरे पापा से पैसे मांगते हो जानू 25 साल मैंने कौन सा अपना बिजनेस फैलाने में लगा दिए घर पे तो गुजारे हद होती है बेशर्मी की नबील जो तुम कब की पार कर चुके हो जानू अपने पापा को बोलो ना लंदन का टिकट भिजवा दे शट अप नबील ओके जानू अरे मोमो अरे ये तुम किसकी तस्वीर देख के रो रही हो ना मैं तस्वीर देख के तो नहीं रो रही हूँ ना फिर मुझे तांबे की वो आ रही है वो क्या वही जो मुझे तांबे की आती है बदबू बदबू नहीं वो अरे पहले याद कर लो भाई हाँ हाँ याद मुझे तांबे की याद आ रही है सोना मोमो ना मुझे सोना नहीं है मुझे रोना है अरे मोमो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारा सोना ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है लेकिन हमने तो उसे लंदन भेजा था अरे मोमो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम है हाँ बहुत जल्द हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा फिर हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी मैंने तो अपने पुत्र के लिए ना वो भी देखी है वो क्या वही जो पढ़ाई खत्म करने के बाद देखते हैं नौकरी ना वो जो नौकरी के बाद देखते हैं ओफ हाँ हाँ ओफ मैंने तो अपने बच्चे के लिए ओफ देखी है हाँ देखिए मेरे पास ओफ की तस्वीर भी है अरे ये कौन लड़की है हाँ हाँ लड़की मैंने अपने पुत्र के लिए लड़की भी देख ली है अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा क्यों अरे ये तो कुछ 10-12 साल की बच्ची की तस्वीर है हाँ तो मेरा लोया भी तो 10-12 साल का ही है अरे मोमो 10-12 साल का तो वो तब था जब वो गया था अरे अब तो हमारा सोना माशाल्लाह जवान हो गया होगा है हाँ। वो जवान हो गया तो आपने मुझे बताया ही नहीं है अरे मुझे भी इसी एपिसोड में पता चला है एक बात तो बताएं फाजल मेरा नाम महमूद है नहीं ये तो मुझे पता है ये बताएं कि लोया मुझे पहचानेगा कैसे अरे क्या मतलब पहचानेगा कैसे तुमने कौन सा कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है अच्छा तो फिर मैं उसे कैसे पहचानूंगी अरे जब वो आएगा तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा शबशे हाँ जी झूला तो दे ना झूला दे सावन के दिन आए पालम हेलो कौन सोना मेरा भाई कैसा है तू क्या अच्छा अच्छा ज्यादा ओवर ना हो बेटा ओके बाय महमूद साहब अरे क्या बात है नबील क्यों इतना चिल्ला रहे हो महमूद साहब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कैसी खुशखबरी सोना आ रहा है सोना क्या हाँ महमूद साहब 25 साल के बाद आखिर यार भाई ने मेरी सुन ही ली नबील 10-10 तोले सोना अरे नबील अब मैं ज्वेलरी की दुकान खोलूंगा चूड़ियां बनवाऊंगा
और अपने हाथ से प्यारे प्यारे हाथों में पहनाऊंगा। महमूद साहब, आपका बेटा सोना आ रहा है यार लंदन से। हैं? हाँ, अभी उसका फोन आया था। अरे मेरा बेटा आ रहा है, मुबारक हो नबील, मुबारक हो। मेरा भाई भी तो आ रहा है महमूद साहब, अल्लाह करे कुछ लेके आए, खाली हाथ ना आ जाए। मामा, मामा। खूबसूरत खूबसूरत, क्या हुआ है? अरे मोमो, हमारा बेटा सोना वापस आ रहा है। तो मुझे तो ये पहले ही पता है। तुम्हें कैसे पता था? मैंने स्क्रिप्ट जो पढ़ लिया था। अच्छा भाई, ये क्या हो गया? आप लोग इतने खुश क्यों लग रहे हैं? जानू, सोना आ रहा है घर। सच नबील? हाँ जानू। नबील प्लीज, सबसे पहले मेरे लिए चूड़ियाँ बनवानी है तुमने, मेरी तो हसरत ही रह गई। जानू, सोना ARY से नहीं आ रहा। फिर? लंदन से आ रहा है मेरा भाई सोना। वो जो लंदन से सोना आ रहा है, वो तुम्हारा भाई है? हाँ जानू। नबील, तैयारी करो। किस चीज की महमूद साहब? अरे इतने अरसे के बाद मेरा बेटा सोना वापस आ रहा है, अरे पूरे मोहल्ले को पता चलना चाहिए। अरे इस घर को रोशनियों में सजा दो, यहाँ जश्न होगा जश्न। यार नबील, उसने फ्लाइट नंबर क्या बताया था? यार महमूद साहब, वो तो मैंने पूछा ही नहीं उससे। तो अब हम उसे लेने स्टेशन पे कैसे जाएंगे हैं? माजी, वो लंदन से आ रहा है, लाहौर से नहीं आ रहा। यार महमूद साहब, मैं एक बात सोच रहा था। वो जो तुम सोच रहे थे वो एक बात है? हाँ जी। क्या? महमूद साहब, आप लोग सोने से बात कैसे करेंगे? क्या हूँ हम? क्या उससे नाराज है पुत्र है? मेरा मतलब है उससे इंग्लिश में बात कैसे करेंगे? क्यों, क्या उसे इंग्लिश समझ नहीं आएगी? नहीं, इंग्लिश तो समझ आ जाएगी महमूद साहब, लेकिन उससे इंग्लिश में बात कौन करेगा? हाँ, तुम लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। ले देखो, वाना गो टू टॉयलेट, इतनी सी बात है। जानू, जब सोना आएगा ना, तो तुम मेरे साथ साथ रहना, मुझे तर्जुमा करके बताना। क्यों, वो तुम्हारे लिए वहाँ से कोई किताब लेकर आ रहा है? नहीं जानू, वो इंग्लिश बोलेगा ना। तो जानू, मसला ये है कि सोना लंदन में रहा है और मैं अमेरिकन इंग्लिश बोलता हूँ, तो उस बेचारे को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो तुम उससे उर्दू में बात कर लेना ना नबील। जानू, मसला मेरा नहीं है, मैं तो उर्दू में बात कर लूंगा, लेकिन मुझे तुम बताओगी ना कि वो पूछ क्या रहा है, तो मैं उसका जवाब उर्दू में दूंगा ना जानू। हाय अल्लाह नबील, तुम 25 साल घर में बैठ कर इंग्लिश ही सीख लेते। जानू, 25,000 फिल्में देखी होंगी मैंने इन 25 सालों में, लेकिन हराम है मुझे कुछ समझ आया। नबील प्लीज, मेरा सर मत खाओ। बस सिर्फ एक काम कर दो। क्या? जानू, बस मुझे ना अंग्रेजी के 2-3 जुमले बता दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। पूछो। शुक्रिया सोना, तुम मेरे लिए इतनी महंगी महंगी चीजें खरीद के लाए हो। जानू, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डे ड्रीमिंग। हाँ जी, नाउ शट अप नबील। ओके जानू। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? अरे सोने, मेरे बच्चे। नबील, मुझे लगता है मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। ओ जानू, दफा करो, क्यों लोगों को याद करा रही हो? ये हमारा सोना ही है। सोना। महमूद साहब, अब जल्दी से आके मिले, मैंने शावर भी लेने जाना है। लेकिन बेटा, शावर तो हमारे घर में है। महमूद साहब, ये चार चार आने वाली झुकते हैं ना, बंद कर दे मारना। शावर का मतलब होता है कि मैंने अभी जाके मुंह हाथ धोने, मुंह हाथ। सोना, मेरा भाई। एक मिनट, गले मिलने से पहले नबील ये सोच लेना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेकर आया।
कैसा है तू? ठीक हूँ मैं। मेरा पुत्र लोया, कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ जी, लेकिन मैं आपका नहीं पूछूंगा कि आप कैसी हैं। मैं भी ठीक हूँ पुत्र, मेरे लिए चॉकलेट वाले बिस्किट लाया है ना? नहीं माँ जी, कुछ लाने का मौका नहीं मिला, वो उन लोगों ने डिपोर्ट जो कर दिया था। क्या? हाँ मैं हूँ साहब। लेकिन क्यों? ये जो गोरे लोग होते हैं ना, ये बड़े घटिया होते हैं, पाकिस्तानियों से तो बड़ी नफरत करते हैं। अरे तासुब भरा होता है इनके, तासुब। और मैंने किया था, अरे एटीएम से सिर्फ चंद पाउंड से तो चोरी किए थे, अरे किसी का खून थोड़ी किया था मैंने, बस कर दिया डिपोर्ट। चोरी की थी? चोरी नहीं करता तो और क्या करता, अरे सारे पैसे जुए में जो हार गया था मैं। तुमने जुआ भी खेला? हाय हाय, मैं खेलता नहीं हूँ महमूद साहब, पीने के बाद बस होश नहीं रहता मुझको। हाय, अरे तुमने वहां जाके पीना भी शुरू कर दिया? क्या हो गया महमूद साहब, आप भूल गए क्या? अरे दूध तो मैं यहाँ पे भी पीता था। क्यों अम्मी? ओ पुत्र, तू इतनी देर से दूध की बात कर रहा है? हाँ माँ जी, आपको पता नहीं है कि एक दो ग्लास दूध पीने के बाद मुझे होश कहाँ रहता है, नींद आना शुरू हो जाती है मुझको। यार तुमने तो हमारी जान ही निकाल ली थी। तुम्हारा सामान कहाँ है? आ रहे, ओके, आ रहे। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, मुंह हाथ धोऊं। ओके, एक्सक्यूज मी प्लीज। यार महमूद साहब, सोना वाकई मेरे लिए कुछ नहीं लाया। अरे तुम्हारे लिए क्या, वो अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं लाया। मेरा पुत्र ऐसा नहीं है, वो जरूर हमें वो दे रहा होगा। वो क्या? वही जो छुप कर देते हैं। गालियाँ? यार नबील, मुझे लग रहा है कि वो हमें सरप्राइज दे रहा है। हाँ सरप्राइज। जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा, मैं आप लोगों को एक सरप्राइज देना चाह रहा हूँ। देखा, मैंने कहा था ना। क्या सरप्राइज है? अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। पहले आप सब लोग अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद करके कैसे देखेंगे यार? ओफो, आप आंखें तो बंद करें, जब मैं कहूँ तो फिर खोलिएगा। ठीक है पुत्र। जल्दी सब आंखें बंद करें, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन गो। ठीक है ठीक है ठीक है। चलें आगे खोलें जल्दी से। ये तोहफा किसका है? हाँ भाई किसका है? नबील। जानू मैं ये पूछ रहा था कि बता दो भाई ये तोहफा किसका है, ताकि लड़ाई ना हो। हाँ भाई बताओ कि ये किसका तोहफा है और किसके लिए है और क्यों है? यार नबील, ये मेरी बीवी है, गोरी, मेरी बीवी। वशे, इससे ज्यादा गोरी तो मैं हूँ। जानू ये मेरी फैमिली है, इन्हें सलाम करो। सलाम। ये गांव की गोरी है क्या? ये क्या बोलता है सोना? जानू ये कह रहे हैं तुम बहुत प्यारी हो। सोना, ये शादी नहीं हो सकती। महमूद साहब, शादी हो चुकी है। अरे हमने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था या शादी करने के लिए? पढ़ता कैसे, अजीब लोग हैं आप लोग। लंदन का टिकट कटा के भेज दिया, एडमिशन कराया था आपने? यार महमूद साहब, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे यार अगर सारा कुछ हम नहीं सोचना है तो ये अली इमरान किस चीज के पैसे लेता है? ये लोग क्या चीप लाइंस बोलता। जानो ये बुलबुली की जुगते हैं, बड़ी हिट है। माजी, माजी, तुम्हारी माँ इस शादी को कभी नहीं मानेगी सोना। सारी पुत्र मेरी जरा आंख लग गई थी, ये कौन है? माजी ये आपकी बहू है। मेरी बच्ची मकसूद, जरा 1000 रुपए निकाले ना, मैंने मुंह दिखाई देनी है बच्ची को। अरे वो हमारी मर्जी के बगैर शादी करके आ गया और तुम उसकी बीवी को पैसे देना चाह रही हो? खबरदार, जो मेरे लोहे की बीवी के बारे में किसी ने कुछ भी कहा हो तो। मामा। चलो जानू, मैं भी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। क्यों? क्योंकि इसने शादी कर ली है? नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए लाया कुछ नहीं है मनोज। पुत्र सुनहरी, परेशान ना होना, मैं भी आती हूँ। हैं? ये क्या बोलता? ये कह रही है कि मैं ना अभी तुम लोग का कमरा अंदर सेट करती हूँ। मामा,
सोने ने ये ठीक नहीं किया। कौन सोना? अरे तुम्हारा बच्चा। क्या किया है उसने? अरे गौरी से शादी करके आ गया है। हाय, तो आप क्या चाहते थे बाबा जी? वो काली से शादी करके आए। मामा, उसने हमें बताया भी नहीं है कि उसने शादी कर ली है। तो फिर आपको पता कैसे चला फरुखी? छोड़े जी बलगम थूके, इतने सालों बाद हमारा कोला घर आए। अरे भार में डालो ऐसे कोयले को। आप अपने बच्चे को ऐसा बोल रहे हैं? चलें चलकर उसको दुआ दें। क्या? आपको मेरी कसम फिरासत, वो सुरमई कितनी दूर से अपना घर छोड़ के आई है, क्या सोचेगी वो? कौन सुरमई? खिलौने की बीवी। सोना? हाँ, उन्होंने सोना भी तो होगा ना, आए मेरे साथ। अरे मोमो। बाबा जी चुप करके आए आप, चले। पुत्र, मैंने तेरे फादर को मना लिया। क्यों, ये आपसे नाराज थे क्या? नहीं पुत्र, ये तो तेरे से नाराज थे। सोना मुझको सोना मांगता। माँ जी। तो जा पुत्र, हमारे कमरे में जोरी को ले जा। गौरी, माँ जी, गौरी। हाँ बेशक, कोड़ी को ले जा। ओह जानू, तुम जानू। ये तुमने इन्हें हमारे कमरे में क्यों भेज दिया? तो फिर वो कहाँ सोते शहरयार? महमूद। महमूद क्या सोते हैं? ये हम कहाँ सोएंगे? हम उधर सोएंगे बाबा जी, सोफे पर। मैं तो सारे टब्बर को ऐसा चिल्लाऊंगी ना कि मेरा पुत्र पीतल न्यूयॉर्क से मेम लेकर आया। मुझे तो लगता है कि उससे पहले वो मेमनी तुम्हें ना जला दे। माँ जी, माँ जी। हाय हाय। हाँ बोल पुत्र। माँ जी नाश्ता? नहीं पुत्र, मुझे भूख नहीं है। अरे माँ जी, मैं कह रही हूँ नाश्ता किधर है? तूने मेरे पास रखवाया था। माँ जी, आपने अभी तक नाश्ता नहीं बनवाया। नहीं, अभी बनवाती हूँ, जा जाके नाश्ता बनाओ। माँ जी, इस घर में छोटी बहू आ गई है, अब नाश्ता उससे बनवाए। लेकिन वो तो अभी सो रही है ना। अरे तो उसे उठाए ना माँ जी, सुबह के 10 बज रहे हैं। अच्छा माँ जी, उसे इतनी छूट ना दें कि वो आपके सर पर चढ़कर नाचे। उसे नाचना भी आता है? माँ जी आप उसे बाहर बुलाएं। नाचने के लिए? नाश्ते के लिए। अच्छा ओके ओके। हाँ अच्छा ओके, गुड, वेरी वेरी गुड। हाय माँ जी। पुत्र जामनी से बोल हम लोगों के लिए नाश्ता बना देना। पर कौन जामनी? हाय तेरी बीबी और कौन? ओ माँ जी, वो गोरी है, गोरी। लो, उससे गोरे तो मेरे बाल हैं। तुमने हमको बुलाया? पुत्र इससे बोल ना नाश्ता बना दे। ये तुम्हारी माँ क्या बोलता? ये बोलता है कि नाश्ता बनाओ नाश्ता। हम नाश्ता बनाएगा? हम यहाँ काम करने को नहीं आया। पुत्र ये हमारी रस्म है। ये तुम्हारी माँ क्या बोलता? ये कह रही है कि ये यहाँ की रस्म है। तुम्हारी रस्म का ऐसा का तैसा, हम 2 मिनट नहीं लगाएगा तुमको छोड़ के जाने का वास्ते। माँ जी आपने घोरी को नाराज कर दिया। अच्छी खासी हड्डी कटती है आप, अब खुद नाश्ता क्यों नहीं बना सकती? ओए तमीज से बात करो। ए चुप कर। माँ जी आप ही से डांटे, मेरा हम उम्र है ना, मुझे सीरियस नहीं ले रहा। मेरा ख्याल है मैं खुद ही नाश्ता बना लेती हूँ। चले माँ जी। 1 मिनट रुक जा, मुझे इससे पूछ लेने दे। हाँ क्या पूछेंगे? तुम नाश्ते में क्या खाएगा पुत्र? चले माँ जी, छोड़े इसको, क्या ऐसे ही गोरी से शादी करनी थी तो यहाँ से ढूंढ लेता, यहाँ भी तो मिल सकती थी सोने को। और जिस तरह तू दिल को मिली है। नबील माँ जी। हाय नबील को मिली है, तो फिर दिल को कैसे मिली है? आप लोग आहिस्ता आवाज में टीवी देखना नहीं मांगता? हाँ नहीं देख सकते। तो फिर मत देखना मांगता, मुझे पसंद नहीं है। एक्सक्यूज मी, सो व्हाट, हु डू यू थिंक यू आर? हमसे अंग्रेजी में बात करना नहीं मांगता। अगर हमने अंग्रेजी में बात करना शुरू किया तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, समझ गया तो? ओके ओके, ना पुत्र ना, इससे अंग्रेजी ना बोल, इसकी अंग्रेजी ज्यादा खतरनाक होगी। हम खतरनाक माँ जी? नाक लगी, मैंने अभी तो साफ की थी। कितना गंदा बात करते हो तुम लोग, और घर भी कितना गंदा रखते हो। कोई काम नहीं है तो घर का झाड़ू पोछा करना मांगता, चलो चलो उठो घर की सफाई करना मांगता। व्हाट जानू, तुमको ये घर कैसा लगा?
अच्छा है पर गंदा है। जानू मैंने ना माजी को सख्ती से बोल दिया कि घर की सुबह शाम सफाई कराएं वरना वापस चला जाऊंगा। और ये घास इतना बड़ा बड़ा क्यों है? ऐसा लगता है लॉन नहीं जंगल है। एक मिनट जानू, महमूद साहब, नबील, महमूद साहब, नबील। क्या बात है बेटा, ये घास इतनी बड़ी क्यों है? मैंने कभी इससे पूछा नहीं बेटा। बंद करें ये अपनी घटिया कॉमेडी। तमीज से बात करो सोना, खबरदार जो हमारी कॉमेडी को घटिया कहा। हाँ तुम सस्ता कह सकते हो। महमूद साहब बहुत अय्याशियां कर ली हैं आपने, दो दिन के अंदर मुझको घास छोटी चाहिए। क्या? हाँ अब तो खुश हो ना जानू तुम। नबील, महमूद साहब। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। वैसे माजी आपको गोरी जैसी बहू चलता जा, कोई जाए ना। मुझे पहले कौन सी अच्छी मिली थी? तेरे से तो अच्छी है वो काली गोरी। माजी हाँ तेरे से तो गोरी है वो काली। क्या चुप्पे, ये खाना अब तक क्यों नहीं आया? हमको भूख लग रहा है, मेरे पेट में चूहा दौड़ना मांगता। माजी आई पुत्र आई। लदस हाँ जी दो हाँ शाबाश। तेज तेज हाथ चलाना मांगता। हाँ डाल के दे उसको रोटी भी दे। हाँ कहाँ पुत्र, पुत्र ये मैंने अपने हाथों से बनाया है तेरे लिए। जानू क्या हुआ? ये बुढ़िया आपको जहर खिलाना मांगता। ओए बुढ़िया किसको कहा तूने? तुमको बोला, ऐसा बुरा खाना बनाया तुमने। ओए खबरदार जो मेरे खाने की वो की काली। तुमने हमको काली बोला क्यों? क्यों कि मैं अन्नी नहीं हूँ। चुप बुढ़िया। अब तू देख तेरे ऊपर पेट्रोल डाल के वो लगाती हूँ तुझे मैं। माजी, क्या? माजी, माजी क्या बोला? ये बोला कि पेट्रोल लाकर ना तुझे आग लगाती है बच। ओए हट हट जा बोले, नहीं तो तू भी उसके साथ सड़ के सोना हो जाएगा। सोना माजी सोना। ओ हाँ सोना ही तो बोला मैंने। आग तो हम तुमको लगाएगा बुढ़िया। आज तक तो तुमने सुना होगा कि सास बहू को जलाना मांगता, आज के बाद अखबार में छपना मांगता कि बहू ने सास को जलाना मांगता। अरे अरे क्या हुआ मोमो, क्या हुआ? उसने मुझे आग लगा दी है। अरे किसने? नीली ने। अरे कौन नीली? हमारे सरिये की बीवी। कौन सरिया? मेरा छोटा पुत्र। अरे उसका नाम सोना है मोमो। हाँ सोना। अरे लेकिन मोमो सोना तो स्कूल गया हुआ है। क्या? हाँ तुमने जरूर ख्वाब देखा होगा। वैसे मोमो मैं सोच रहा था कि हमारा सोना जो है ना माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत तेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, जरा सा और बड़ा हुआ ना तो हम उसको आला तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन भेज देंगे। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। यार बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए जा।